हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि नीव का 6th बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया और साथ ही उसके छोटे भाई प्रांश का 1st मंथ बर्थडे में मैंने क्या क्या किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने कुछ जो फ़ोटो शूट्स किए हैं उसकी फ़ोटोज़ मैंने लगाई है इस वीडियो में। तो ये 1st मंथ बर्थडे का इसमें मैंने जंगल थीम किया था, और क्योंकि प्रांश ने एक लायन वाला ड्रेस पहना हुआ था तो इसलिए उसको एज अ लायन किंग रख के और चारों तरफ से एनिमल्स को बिठाकर हमने इस तरह से एक फ़ोटो शूट किया। बट वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था तो इसलिए फ़ोटो अच्छे से क्लिक ही नहीं हो पाई। और आज है 13th ऑफ जुलाई, तो आज एक महीने का हो गया है प्रांश। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर पाई, बस मैंने एक केक ऑर्डर किया था और ये दोनों बच्चे अपने नानी और दादी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये काफ़ी रो रहा था प्रांश, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। बस अभी केक काटेंगे ये दोनों और केक वेक खाएंगे और जो भी खाना वाना नॉर्मल बना था, तो बस यही सब किया। और थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी मैंने किया था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, तो उसमें भी टाइम लग गया था क्योंकि ये रेडी ही नहीं हो पा रहा था ठीक से। एक महीने के बच्चे के साथ आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज है 16th ऑफ जुलाई, आज है नीव का बर्थडे। तो ये देखिए 5 o'clock हो रहे हैं और नीव के सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। ये हमने केक वगैरह यहाँ पे रखा है और उसको नाना नानी दादी सब उसको टीका वगैरह लगाएंगे। और मैं बस फ़ोटो शूट कर रही थी क्योंकि बच्चे इतने सारे थे, तो वहाँ पे मैं सोची कि बच्चों को ही खड़ा करके फ़ोटो वगैरह केक वगैरह कटिंग करवा दूँ। तो ये देखिए साथ में मिलकर ये लोग केक काट रहे हैं। तो अभी बेबी काफ़ी छोटा है इसलिए मैंने कुछ भी खाना घर पे नहीं बनाया था, मैं सब कुछ बाहर से ही ऑर्डर करके लाई थी क्योंकि सब कुछ मैनेज करना, इतना सब कुछ बनाना अभी मुश्किल था मेरे लिए। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि बर्थडे अभी बस खुद ही जाकर बाहर कहीं सेलिब्रेट कर लूँ, बट नीव का मन था कि फ्रेंड्स को बुलाओ, तो इसलिए फिर हमने फ्रेंड्स वगैरह को सबको घर पर इन्वाइट कर लिया था और सब कुछ हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। तो शाम में हमारे कुछ रिलेटिव वगैरह वो भी आएंगे, तो उनके लिए भी जो भी खाना था प्रॉपर डिनर वगैरह जो भी था वो सब कुछ हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। तो ये देखिए मैंने मंगवाया था नूडल्स, वेज मंचूरियन और साथ में फ्रेंच फ्राइज, वेफर्स और फ्रूटी। और रिटर्न गिफ्ट में हमने एक लेज़र लाइट वाला पेन था वो दिया था। तो इस बार बस जैसे हो पाया सिंपल से हमने वैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। बट यहाँ पे ये देखिए, ये सब बहुत ही अच्छा स्नैक आइडिया है क्योंकि बच्चों को चाइनीज़ जो खाना होता है नूडल्स एंड मंचूरियन वगैरह काफ़ी पसंद होता है, तो इसलिए हमने वही सब मंगवा लिया था। और यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक गेम खिलवा रही हूँ मैं बच्चों को, ये है स्टैचू डांस गेम। इसमें क्या होता है कि जब सॉन्ग चलेगा तब तक डांस करना है और जैसे सॉन्ग स्टॉप होगा आपको स्टैचू बन जाना है और जो भी हिल जाएगा वो आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम गेम प्ले कर रहे थे।
तो ये जो बच्चा जिसने येलो कलर का टी शर्ट पहना है, क्रियांश, इस यही जीता था। तो देखिए बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। इस तरह के गेम्स आप खिलवा सकते हैं अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी पे। तो ये देखिए लास्ट में ये दोनों बच गए थे और कियांश जो है वही विनर हो जाएगा। तो बच्चों की पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और ये 7 बजे तक ओवर हो गई थी। उसके बाद फिर हमारे रिलेटिव्स वगैरह आ गए थे, मेरी दीदी हैं, कज़न, उनके बच्चे वगैरह आए थे। तो बस अब पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। सब लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था और ऑलमोस्ट मुझे लगता है 11 बजे तक सब ओवर हो गया था। ये कुछ फ़ोटोज़ मैं शेयर कर रही हूँ सबके। तो आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ आइडिया भी मिले होंगे अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, जब बहुत ही सिंपल कुछ करना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।